हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है उसके फॉर्म को कैसे फिल करना है। मोस्टली इस फॉर्म को फिल करने में प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इजिली फॉर्म को कैसे फिल करें। तो अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जितना मुझे टाइम आप इस वीडियो को बनाने में लगता है, शायद आपको उतना टाइम लाइक करने में नहीं लगेगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, या मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जाना होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे, उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बाद एक आपका फॉर्म खुले पेज खुलेगा पेज खुलेगा जिसमें आपको तीन ऑप्शन दिए होंगे, वो एडवर्टाइजमेंट का, नोटिफिकेशन का और अप्लाई का। तो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसमें आपको कि जो डिटेल होगी वो देना होगा, उसके बाद ये फॉर्म खुलेगा। इसमें अगर आप पहले से यूपी ट्रिपल एससी में रजिस्टर्ड हैं तो मुझे आपको ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, आप तो नॉर्मली फॉर्म को पहले जैसा फिल किया है वैसा फिल कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार इस साइट पर विजिट किया है तो इसमें नो नो करना होगा। नो करने के बाद प्रोसीड करना होगा, फिर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं उसका पूरा वीडियो आपको आगे दिखाऊंगा। जब आप उसमें नो करके प्रोसीड करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो इसमें फॉर्मेट दिए हैं हाई स्कूल इंटर ट्रिपल सी जो भी आपका है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट लगा आपको पास होने चाहिए, स्कैन होने चाहिए, फोटो सिग्नेचर, आई एग्री पे क्लिक करना होगा। ये याद रखना, जो आपको फोटो होगा वो 30 KB का होना चाहिए और जो सिग्नेचर होगा वो 20 KB का होना चाहिए। अगर आपने रजिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, यस किया, तो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपको प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद एक आपका ये पेज खुलेगा, इसमें आपको डिटेल पूरी दी जाएगी। डिटेल में आपको क्लिक करके अप्लाई करना है, जिस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना होगा, जिस पोस्ट के लिए जहाँ जो चाहिए ये सारा आपका होगा। नंबर वाइज आपको पर्टिकुलर जो आपको जिस पे चाहिए होगा उस पर क्लिक करना होगा, नंबर डालना होगा और फिर आपको यहाँ से प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद आपका आगे रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने नो किया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल, एक्स सर्विसमैन है, होम स्टेटस आपका क्या है, कहाँ पर के रहने वाले हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी, कैटेगरी कौन सी है, DOB क्या है, जेंडर कौन है, मैरिड है, अनमैरिड है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो आपको फिल करना ही करना है। एंड उसके बाद जो आपको हाई स्कूल लगाना हो, इंटर ईयर, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, आपको सब पता होना चाहिए, आपको स्कैन होना चाहिए, आप उसे देख के फिल कर सकते हैं। फिर आपको जिस पद को इम्पोर्टेंस देनी है, जिस पद के लिए आप एलिजिबल हैं, उसको यस यस करना है, बाकी को नो करना है। अब पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। इस कैप्चर को फिल करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन आपने अगर किया हुआ है पहले से, तो उसके बाद या आपका फॉर्म खुल जाएगा। उसके नीचे आपको पूरी डिटेल फिल करनी होगी, हाई स्कूल इंटर परसेंटेज, ये सब आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप डिटेल भर सकते हैं। फिर आपको फोटो सिग्नेचर और फीस के लिए आगे प्रोसीड किया जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर आपको याद रखना होना चाहिए कि 30 KB का फोटो और 20 KB का सिग्नेचर होना चाहिए। फिर उसके बाद अपलोड करने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका एक जो पेज ओपन होगा वो होगा डिक्लेरेशन का। आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन खुल जाएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म खुलेगा, जैसे कि ये आपका खुल गया है। और फिर उसके बाद आपको जो कोर्स किए हुए एज प्रूफ सर्टिफिकेट है, ये आपको पूरा आपको लगाना होगा। ये तो आपको लगाना ही होगा, एज सर्टिफिकेट प्रूफ, जैसे कि हाई स्कूल हो गया, रेसिडेंट, डोमिसाइल और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आपको लगाना चाहिए। SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट से आपको प्रेफरेंस देना होगा, आपको जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, ईयर लिखना होगा, इशू डेट, जो आपकी मार्कशीट की इशू डेट है वो, अगर ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड, परसेंटेज, टोटल मार्क्स, ये आपको सब कुछ फिल करना होगा। उसके बाद आपको अपने नाम सहित परमानेंट एड्रेस, और दूसरा कोई एड्रेस है तो यहाँ पे, अगर सेम एड्रेस है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, दूसरा कोई एड्रेस है तो
तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिर उसके बाद आपको स्टेट, जिस स्टेट से है उस स्टेट को डिक्लेरेशन देना होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उस आप इतना सा फॉर्म खुल फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको प्रीव्यू के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। प्रीव्यू करने के बाद आपका फीस का आएगा, फीस जिस कैटेगरी से है आपको। पहले तो प्रीव्यू करने के बाद आपको, सॉरी गाइस, प्रीव्यू करने के बाद आपको फाइल अपीयरिंग दिखा जाएगी। फिर उसके बाद आपको सबमिट बट कैप्चर फिल करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। प्रीव्यू आप कायदे से देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे एक मौका दिया जाएगा आपको रिफिल करने का, करेक्शन करने का, आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको फीस पेमेंट करनी होगी। अगर आप अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, यस और नो जैसा आपको करना हो। यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड कर लीजिए, अगर गलत होता है तो सही कर लीजिए, सही है तो आगे आप उसको प्रोसीड कर दीजिए। ये आपका करेक्शन फॉर्म खुल जाएगा। अगर कास्ट आपको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर लेंगे, अपनी डिटेल सही से फिल कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आप अप्लीकेशन फीस जो आपकी सबमिट करनी है वो सबमिट कर देंगे। पेमेंट मेथड जो आपको, अगर आप नेट बैंकिंग SBI का यूज करते हैं तो एक भी चार्ज नहीं लगेगा, अदर बैंक करते हैं तो 6 रुपए लगेगा। और कार्ड पेमेंट करते हैं, अगर आप डेबिट कार्ड SBI का यूज करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, या अदर बैंक का डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो 12 रुपीज लगेंगे। एंड अदर पेमेंट मोड से आप करते हैं, अगर SBI ब्रांच से होगा तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, अदर किसी से होगा बड़ी एडी से, SBI बड़ी से, तो आपको 5 रुपए 9 पैसे के आसपास लगेगा। पेमेंट करने के बाद ये आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उसमें कंफर्म करने के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल, कैटेगरी और ये कैप्चर कोड आपको फिल करना होगा। प्रोसीड करेंगे, आपका जो फॉर्म सबमिट किया हुआ है वो पूरा ओपन हो जाएगा। फिर आपको उसका प्रीव्यू और प्रिंट कर सकते हैं। हाँ सॉरी गाइस, ईमेल या फोन नंबर आपको डालना होगा, उसके बाद प्रोसीड करना होगा, फिर आपका फॉर्म पूरा खुल जाएगा। जैसे कि आप, जैसे कि ये खुल गया हुआ है। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए तो रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो पूरा आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करेंगे तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है, कांग्रेचुलेशन, ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है पूरा, और वो आपका फॉर्म था। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई का भी ऑप्शन आएगा, वहां से मॉडिफाई कर सकते हैं। से आपने कुछ गलत किया है तो आप उसको फॉर्म को फिर से फिल मॉडिफाई करके सही कर सकते हैं। ये आपकी पूरी डिटेल हो जाएगी, फिर से आपकी आएगी, इसको फिल करके सही कर सकते हैं, पूरी डिटेल आप फिर से सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको मॉडिफाई प्रिंट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, क्लिक करिए, मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफाई स्लिप निकलेगी, यहाँ से आपको करना होगा। इसके बाद आप मॉडिफाई आपका प्रिंट पूरा निकल के आएगा, चेक कर लीजिए। मॉडिफाई केवल एक आपको एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। ओके गाइस।